गाइज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स में हम आगे बढ़ते हुए आज आपको लेके चलेंगे मेलिंग टैब के अंदर। मेलिंग टैब में हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मेलिंग टैब होता क्या है, इसमें कौन कौन से फंक्शन है, ये सारे हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीखते हैं। मेलिंग टैब के अंदर सबसे पहले आता है एनवेलोप। देखो, मेलिंग के नाम से ही साफ जाहिर हो रहा है कि मेलिंग यानी कि हमने पत्राचार करना है, मेल करना है किसी को, कोई लेटर भेजना है तो उसके लिए हमने लेटर टाइप करना पड़ेगा, एनवेलोप तैयार करने पड़ेंगे। सिंगल एनवेलोप बनाने हैं, सिंगल लेटर बनाने हैं, या फिर बहुत सारे मल्टीपल लेटर एक बार में टाइप करने हैं, वो किस प्रकार करेंगे हम, वो सारा इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले एनवेलोप कि हमको एनवेलोप किस प्रकार का चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है डिलीवरी एड्रेस। अगर आपने पहले एड्रेस टाइप करके रखे हुए हैं तो आप वहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट्स में से कर सकते हैं, या फिर एड्रेस बुक में से आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर मैनुअल किसी को भेजना है तो हम सीधा सा यहाँ पे उसका एड्रेस जो भी होगा वो टाइप कर लेंगे, हो गया। और रिटर्निंग एड्रेस फ्रॉम का वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, ये फ्रॉम का एड्रेस हो गया। फिर आ रहा है एनवेलप का प्रीव्यू, इस तरह का एनवेलप है। अगर हमको एनवेलप का साइज़ भी चेक करना है तो देखिए यहाँ से ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम एनवेलप का साइज़ ये 10 है। इसके अलावा हम यहाँ से क्लिक करेंगे हमको किस प्रकार का साइज़ चाहिए, जैसा साइज़ हम लेंगे उसी तरह का एनवेलप यहाँ पर शो करेगा आपके पास, दिखा रहा है ना। तो आप यहाँ से उसका साइज़ तय कर सकते हैं अपने एनवेलप का, फिर उसका डिलीवरी एड्रेस जो है उसका फॉन्ट चेक कर सकते हैं कि हमने लेफ्ट से रखना है या फिर टॉप से रखना है, ये एड्रेस कहाँ पे जाए, और रिटर्न एड्रेस भी हम सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद प्रिंट ऑप्शन, हमने प्रिंट किस प्रकार लेना है उस एनवेलप का, हमने प्रिंट उसको इस प्रकार से प्रिंट निकले, प्रिंटर यूं उठाए उसको, या प्रिंटर इस प्रकार उठाए या आडा उठाए, हम वो सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और ओके कर देंगे, हमने एनवेलप सेट कर लिया और प्रिंट ले लेंगे। इसी तरह लेबल लगाना चाहें, लेबल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कोई भी, या फिर आपके पास यहाँ भी मिलता है लेबल का, यहाँ से लेबल यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार मेल मर्ज के लिए हमने एक लेटर टाइप करना है, कर लिया। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमको बहुत सारे लेटर टाइप करने हैं, वो लेटर आपके इनविटेशन लेटर भी हो सकते हैं। टाइप तो हमने सेम कर दिया लेकिन उस पर एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल सभी की अलग अलग डलती है, या फिर हम टाइप कर रहे हैं कुछ ऐसा कि हमने एम्प्लॉई के प्रमोशनल कार्ड बनाने हैं, या फिर स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और हम सारे एक बार में किस प्रकार तैयार करेंगे, वो सारा मेलिंग टैब से बहुत आसान हो जाएगा। देखिए एक बार मैं सैंपल तैयार कर लेता हूँ। देखिए मैंने, देखो यहाँ पे एक सैंपल लिया है, जैसे ये एजुकेशन सेंटर हो गया कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी का, एड्रेस हो गया, और उसके बाद एनुअल रिपोर्ट। ये पूरी एनुअल रिपोर्ट हमने तैयार करनी है, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट आई डी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर, क्लास, ये डाल दी। उसके बाद उस स्टूडेंट की जिसके हमने यहाँ पे ऊपर डिटेल फिल करी है, उसकी मार्क डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे कि हिंदी या इंग्लिश या मैथ या फिजिक्स में उसके कितने कितने नंबर आए, और आउट ऑफ कितने कितने में से, आउट ऑफ हम फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 100, ठीक है। इस प्रकार मैं सभी के यहाँ पे 100 कर देता हूँ, और नीचे टोटल ऑब्टेन मार्क्स, उसकी परसेंटेज, ग्रेड टोटल और रिजल्ट फेल या पास के लिए। तो इस तरह का मैंने एक सैंपल तैयार कर लिया। अब इतने भी अगर हम डिटेल अब फिल करने लगेंगे एक एक स्टूडेंट की तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हज़ारों स्टूडेंट हो सकते हैं ना। तो हम सिर्फ इतना ही टाइम लेंगे जितना टाइम एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाने में लगता है, उसी टाइम में बाकी 1000 के बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, मेलिंग टैब से बनेंगे। मेलिंग टैब में जाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज कह रहा है। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर हमने क्या स्टार्ट करना है, हमने लेटर बनाना है या फिर ईमेल मैसेज करना है, एनवेलप करना है, लेबल लगाना है, या फिर डायरेक्टरी हमने, हम लेटर बना रहे हैं। अगर लेटर बनाएंगे तो नॉर्मल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे लेटर का आ ही गया, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्ट रिसिपेंट। इसके अंदर देखो ऑप्शन मिलता है, एक तो टाइप इन न्यू लिस्ट, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है स्टूडेंट्स की या एम्प्लॉयज़ की किसी की भी, तो हम एक लिस्ट बना लेंगे क्योंकि लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। या फिर यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, हमारे पास पहले ही लिस्ट हमने बना के रखी है। देखो मेरे पास पहले ही लिस्ट है, अगर हम काम कर रहे हैं स्कूल में या किसी ऑफिस में तो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट या स्टूडेंट्स की लिस्ट तो हमारे पास पहले ही मौजूद होगी, होगी ना। मैंने यहाँ पे लिस्ट पहले ही
बना के रखी हुई है। अब इस लिस्ट के हिसाब से हमने वो रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, स्टूडेंट आईडी भी है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास, रोल नंबर, उसके मार्क्स भी हैं, सारे रिजल्ट, ग्रेड, परसेंटेज, सब चीज़ें। अब हमने इसमें फिल करना है उसको, तो किस प्रकार करेंगे? तो हमें नई लिस्ट बनाने की तो ज़रूरत है नहीं, हम क्या कर लेंगे फिर, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वो फाइल किस नाम से सेव करके रखी हुई है, मैंने कहाँ पे रखी हुई है, उस फाइल पे जाएंगे। वो फाइल मैंने रखी हुई है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उस फाइल का नाम है अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है, और कर लूँगा ओके। वो फाइल हमारे पास यहाँ खुल जाएगी, उसमें चार सीटें बता रहा है और हमारा डाटा कौन सी सीट के अंदर है वो सीट सेलेक्ट करेंगे। मेरा डाटा यहाँ पे चार नंबर सीट के अंदर है, तो मैं यहाँ से चार नंबर सीट को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। अब देखो, जैसे ही हमने उसको ओके किया है, हमारे पास कुछ ऑप्शन और चल गए, एडिट रिसिपेंट लिस्ट, हमने उस लिस्ट में कुछ एडिट करना है, या फिर एड्रेस बुक वहाँ पर देखनी है, डालनी है, या ग्रीटिंग लाइन कोई डालनी है। इसके अलावा एक हो जाता इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये भी एक चालू हो गया। तो जो भी हमने लिस्ट ली है वो हमने इंसर्ट करनी पड़ेगी, उसकी सारी फील्ड यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। फील्ड होते हैं कॉलम, उसको फील्ड भी बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी है, वो फील्ड थी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ जाएगी। तो हम कैसे लेंगे, यहाँ पे देखो इंसर्ट में जाएंगे अब हम, तो यहाँ पे वहाँ पे जितनी भी फील्ड थी सारे नाम यहाँ पे दिखा दिए ना। हमने स्टूडेंट आईडी लेनी है यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे गए और स्टूडेंट आईडी, इसके बाद स्टूडेंट नेम, फिर से हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे, स्टूडेंट नेम, फादर नेम पे आएंगे, हम यहाँ से ले लेंगे फादर नेम, ये रहा। फिर हम एड्रेस उठा लेते हैं, एड्रेस रहा। कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेंगे, ये रहा। रोल नंबर भी यहाँ से उठाएंगे, ये रहा रोल नंबर। क्लास के लिए भी हम फिर से मर्ज फील्ड में जाएंगे, क्लास ले लिया, यहाँ के सारे हो गए। अब नीचे चलते हैं, अब लेने हैं ऑप्टेन मार्क्स हमने हिंदी के, तो यहाँ क्लिक करेंगे और इंसर्ट फील्ड के अंदर हम चले जाएंगे हिंदी पे, इंग्लिश के ऊपर जाएंगे और यहाँ से फील्ड हम करेंगे इंग्लिश, कहाँ है ये रहा। इसी प्रकार मैथ्स का हम उठा लेंगे, मैथ्स आ गया, फिजिक्स ले लेंगे फटाफट। मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री पे आ गए। अब टोटल ऑप्टेन मार्क्स, ये भी हम यहाँ से उठा लेंगे, इंसर्ट फील्ड के अंदर जाएंगे ऑप्टेन मार्क्स, और यहाँ पे आउट ऑफ टोटल मार्क्स आ गए। इसी प्रकार नीचे ऑप्टेन मार्क्स हमको चाहिए, हम फिर से इंसर्ट फील्ड करेंगे ऑप्टेन मार्क्स, यहाँ पे हमको चाहिए टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल मार्क्स, और यहाँ पे परसेंटेज चाहिए हमको, इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ, यहाँ परसेंटेज चाहिए इंसर्ट परसेंटेज, और यहाँ पे चाहिए हमको ग्रेड, ये आ गया हमारा ग्रेड। और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट भी हम ले लेते हैं, रिजल्ट, सारी चीज़ें आ गई, बाकी ये सिग्नेचर है। बस इतना काम हमारा हो गया, इतना ही टाइम लगना है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में, चाहे जो भी इनविटेशन लेटर हो, प्रमोशन लेटर हो, कॉल लेटर हो, सिर्फ इतना ही काम करना पड़ेगा। अब हमने देखना है इसका प्रीव्यू रिजल्ट, तो यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू रिजल्ट देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो देखो हमारा प्रीव्यू रिजल्ट, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, उसका नाम, फादर नेम, सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, सारे नंबर्स फिल हो गए। परसेंटेज ज़्यादा आ रही है, अगर हमने वहाँ पे सेट कर रखा है उसी हिसाब से परसेंटेज ले लेगा, ये ज़्यादा फील दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसको कम कर लेंगे अपने फाइल में जा करके, जहाँ पे हमने फाइल बना रखी है। अब हमने सभी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, मैं ये कह रहा था कि एक ही झटके में सभी का हो जाएगा, यहाँ पे एक का ही तैयार हुआ है ना, तो सभी का एक साथ करना है हमने, तो क्या करेंगे हम फिनिश कर देंगे यहाँ से मर्ज को। अगर एक एक देखना है तो हम एक एक यूँ फाइंड करके देखते रहेंगे, चलाते रहेंगे, सभी के देखो यहाँ पर शो कर रहा है ना, सभी के करना है तो फिनिश, डायरेक्ट प्रिंट लेना होगा तो प्रिंट कर लेंगे, अगर सभी का देखना है तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऑल सभी का, या करंट रिकॉर्ड, या फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हमने सेट करना है, वो भी हम यहाँ से मैनुअल डाल सकते हैं। अगर सभी का मर्ज रिकॉर्ड हमने करना है तो ओके कर देंगे ऑल पे और ओके, तो चंद सेकंड लेगा और हो गया काम। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, हमारे पास सभी के रिकॉर्ड यहाँ पे फटाक से जनरेट हो गए, ये दूसरे का हो गया, इसी प्रकार ये तीसरे का हो गया,
कंप्लीट जितने मेरे पास वहाँ पर रिकॉर्ड थे सारे इसने एकदम से जनरेट कर दिए। तो मेलिंग का जो ऑप्शन था ये हमारा काफ़ी काम का फंक्शन था, हमारा घंटों का काम ये मिनटों में कर सकता है। घंटों का क्या, अगर हज़ारों स्टूडेंट हैं इस प्रकार से तो हमारा तो पूरे दिन का ही काम हो गया, ये पूरे दिन में भी निपट जाए तो, और वो हम यहाँ पे मिनटों में कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन था। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम फिर से जल्दी हाजिर होंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि नए आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।